हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जो हम ज्योतिर्लिंग की सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें हम ये जान रहे थे कि वो जो ज्योतिर्लिंग है उन्हें हम क्यों पूज रहे हैं, उनकी इतनी मान्यता क्यों है, उसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं जो हम वहां जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो इस सीरीज में आज नंबर है केदारनाथ का। मैं आपको केदारनाथ से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा बताने वाली हूँ कि क्यों वो ज्योतिर्लिंग बना, हम क्यों उसको इतना पूजते हैं, उसकी इतनी मान्यता है। और बाकी के ज्योतिर्लिंग मैं 6-7 ज्योतिर्लिंग पे वीडियो बना चुकी हूँ, जिसने वो ना देखी हो तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर देखिए। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योतिर्लिंग सीरीज के नाम से, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं जो भी आपको ज्योतिर्लिंग के बारे में पौराणिक कथा जाननी हो। देखिए, घूमने तो हम सब चले जाते हैं, मैं मैक्सिमम वीडियोज में यही कह रही हूँ कि हम घूमने जाते हैं, लेकिन उसके पीछे हमें कारण नहीं पता होता है कि हम जा रहे हैं। अब जैसे आपने केदारनाथ में सुना, इतनी भीड़ होती है, लोग जाते हैं, लेकिन हम क्यों जा रहे हैं, ऐसी क्या मान्यता है, ऐसी क्या विशेषता है वहाँ पे जो हम वहाँ तक जाते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए, उसका मूल कारण हमें पता होना चाहिए। तो देखिए हुआ क्या था, बात है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को ऐसा लगा, आपको भी पता है कि पांडवों ने अपने भाइयों की हत्या की थी, तो पांडवों ने अपने उस कर्म के लिए कि उनसे भाइयों की हत्या हुई है, वह इस कर्म का पश्चाताप करना चाहते थे, प्रायश्चित करना चाहते थे। तो अब इसका प्रायश्चित करने के लिए ना वो भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव थे ना वो उनके इस कर्म से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो क्या होता है कि भगवान शिव जब खुश नहीं है और वो कंटिन्यू वो चाह रहे हैं, तो भगवान शिव एक टाइम बाद केदारनाथ चले जाते हैं। तो जब भगवान शिव केदारनाथ चले जाते हैं, तो उनके पीछे पीछे पांडव भी केदारनाथ चले जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि केदारनाथ में जब पांडव पहुंचते हैं, तो भगवान शिव एक भैंसे का रूप ले लेते हैं और जानवरों के जो और वहां पे पशु होते हैं ना, उनके बीच में चले जाते हैं, जिससे कि पांडव जो है वो उनको पहचान नहीं पाए। अब होता क्या है कि ये लोग बहुत ढूंढते हैं, बहुत ढूंढते हैं, जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है, तो इनके एक भाई हैं भीम, आपने सुना होगा, वो बहुत ताकतवर है। तो वो क्या करते हैं, दो पहाड़ों के बीच में पैर रखकर खड़े हो जाते हैं, जिससे क्या होता है और सारे जानवर तो निकल जाते हैं, लेकिन एक वो भैंस बचती है, वो नहीं निकलती। तो वो क्या करते हैं, उस भैंस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भैंस जो होती है ना, वो भैंसा भैंसा जो होता है वो धीमे 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 जमीन में समा रहा होता है। तो भीम क्या करते हैं, उसको पीठ से पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जब वो पीठ से पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये वही है जो उसकी पीठ का पिछला हिस्सा है ना, हम उसी को केदारनाथ मानते हैं। और ऐसी मान्यता भी है कि उसके बाद भगवान शिव ने खुद पांडवों को दर्शन दिए, उनको उस कर्म के लिए माफ किया, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति देखी कि उनमें कितनी इच्छा है कि प्रभु मुझे माफ करें, इसके लिए उन्होंने कितने जतन किए। देखिए, केदारनाथ आज पहुंचना बहुत काफी आसान है, रोड बन गया, लेकिन उस टाइम पे इतना आसान नहीं था। तो उनकी इच्छा शक्ति देखकर भगवान शिव ने उन्हें माफ किया, और तभी से ये धार्मिक मान्यता बनी हुई है कि वो जो भैंसे की जो पीठ थी, उसी को हम भगवान शिव का रूप मानकर पूजते हैं। तो ये थी हमारी केदारनाथ की स्टोरी, जहाँ से हम मानते हैं कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग ऐसे बना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो भी केदारनाथ जाने वाले हैं वो लोग देखें। अब तो खैर कपाट बंद हो गए हैं, जब भी खुलते हैं तब आप शेयर कीजिएगा, या जो लोग घूम के आए हैं आप उनके संग जरूर शेयर कीजिए, जिससे उनको पता लगे कि वो जहाँ होकर आए हैं उसके पीछे आखिर स्टोरी क्या है, वो बना कैसे, उनको पता होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।